मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां रेलवे स्टेशन और नकहा रेलवे स्टेशन से गोरखनाथ मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते को 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है। वहीं धर्मशाला से गोरखनाथ मंदिर तक के विद्युत पोलों पर LED लाइट लगाया गया है, जिससे रात के समय पूरा रास्ता दूधिया रोशनी से नहा उठा है। फिलहाल गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेला में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं चाक चौगंध की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय नागरिक विष्णु शंकर श्रीवास्तव और चौधरी कैफुल बरा ने कहा, मेले के लेकर के जो स्थिति यहाँ पे है, क्योंकि ये रोड मोहद्दीपुर से लेकर जंगल कौड़िया तक 4 लेन भी हुआ है और इस पर जगह जगह कार्य अभी चल भी रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार खिचड़ी की मेले के पहले ये सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करनी है। आप देख रहे होंगे जितने बीच में पोल लगे हैं, इसमें लाइट जो लपेटा गया है वो काफ़ी सुंदर और आकर्षित कर रहे हैं। साथ में जो LED की लाइट लगाई गई है उससे भी प्रकाश हो रहा है, और ऐसे बहुत से कार्य हैं जो इस पूरे खिचड़ी के मेले को संपन्न कराने के लिए, उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए और आने वाले हमारे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जितने भी ऐसे कार्य हैं उसको तेज़ी से कराने के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कार्य चल रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि खिचड़ी के मेले के सप्ताह पूर्व ये सारे कार्य पूर्ण होकर के और मेले के लिए पूरी तरह से यह मार्ग और मंदिर तैयार होगा, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा और लाभ मिल सके। हमारा चौधरी कैफुल वरा मुख्यमंत्री होने की वजह से गोरखपुर का पूरा विकास कर रहे हैं और ख़ास तौर से गोरखनाथ का विकास हो रहा है। यहाँ लाइट की पोल पर जो सजावट हुई है, ये सब तो कभी आदमी सोच नहीं सकता था कि यहाँ इस तरह की तैयारी होगी। रोड की जो चौड़ीकरण हुआ है, लोगों को नुकसान तो ज़रूर हुआ है लेकिन फ़ायदा उससे ज़्यादा हुआ है। अब जो कस्टमर गोरखनाथ में आएंगे, वो गोलघर के कस्टमर गोरखनाथ की खरीदारी करने आएंगे, उनको रास्ते का पूरा अपनी चार पहिया गाड़ी खड़ी करने के लिए उनको पूरा अवसर मिलेगा, इसकी वजह से वो जो है गोरखनाथ खरीदारी के लिए आएंगे। इससे गोरखनाथ के दुकानदारों का इससे बहुत बड़ा भलाई हो जाएगी।